सो है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। मेरा नाम रुकी जी, जैसे कि आप सब जानते हैं, एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। ओके सो आई एम रियली क्वाइट नर्वस राइट नाउ। मेरे को अजीब से लग रहा है मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं हमेशा कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखती थी, एंड लेकिन तब फिर भी बोल लेती थी, लेकिन अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोल। एनीवेज, तो आज का हमारा वीडियो है, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो आप लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि दीदी प्लीज़ BTS हेटर्स को रोस्ट करो, BTS हेटर्स को रोस्ट करो। आई मीन ओके, मैं कर देती हूँ, कुछ तो यूजलेस पीपल का यूज़ करना होगा ना, राइट? ओके, सो देयर आर टू रोस्टर्स, आई जस्ट सॉ देयर वीडियोज, और मैंने जस्ट फर्स्ट के कुछ पार्ट्स देखे, और उसके बाद मुझे एकदम मन नहीं किया। उसके बाद मैं इन्हें वॉच टाइम क्यों ही दूँ, मतलब व्हाई शुड आई इवन गिव देम वॉच टाइम, मैं क्यों दूँ? एज बीइंग अ यूट्यूबर, मैं दूसरे जो बकवास काम कर रहे हैं उनको मैं वॉच टाइम नहीं देती। एंड आर्मीज, आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मतलब उनको रोस्ट कराने के बजाय या फिर उनसे भिड़ने के बजाय यू शुड स्टार्ट इग्नोरिंग देम। आई नो मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने बोला है, मैं सॉरी बोल दी ऑलरेडी कि मैं बहुत अग्रेसिव थी मेरे फर्स्ट रोस्ट में, एंड सम पार्ट्स वे करेक्ट एंड सम पार्ट्स वे रॉन्ग, एंड मैं रॉन्ग को करेक्ट कर चुकी, एंड इग्नोरिंग देम इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई वॉन्ट टू टेल। बट या इफ दे गेट टू मच, फिर तो मेरा भी दिमाग सटक जाएगा। और ये जो सक्षम XX है, ये पता नहीं कौन है, इन्होंने मतलब इनका तो मैं बता रही हूँ, इन लोगों ने क्या क्या बोला होगा। एक तो मस्त सा दाढ़ी को लेके बोला होगा भाई, मतलब क्या मैं बोलूँ अनपढ़ों गवारों को, कि इनकी दाढ़ी सबकी दाढ़ी आती है, हर मैन की दाढ़ी आती है, बट इन्हें रखना नहीं पसंद है, इनके कल्चर में ही वैसा है। लेकिन नहीं, सुनना ही नहीं है, 10 बार बोलो तब पर भी वही चीज़ बकवास करेंगे। मेरे को ये सब चीज़ पसंद नहीं आता, लाइक आई समटाइम्स बी सैड क्योंकि दीज आर आवर सिटीजंस, राइट, एंड दे आर डूइंग दिस। और इसलिए मैं रोस्ट नहीं देखती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं। पहले मैं जस्ट कंटेंट के लिए थोड़ा बहुत देख लेती थी, लाइक अब तो मैं कुछ महीनों से देखती भी नहीं हूँ। लाइक आई एम टू इंटू BTS, मेरे को BTS देखना है, उन पे फोकस करना है, मेरे को अपना स्टडीज़, अपना वीडियो, आप लोग पे फोकस करना है, नॉट ऑन देम। बट स्टिल एज अ कंटेंट, यू गाइज वॉन्टेड दिस, सो आई विल मेक दिस बिकॉज यू गाइज वॉन्ट, एंड वॉट यू गाइज वॉन्ट आई विल डू दैट। देश के इन नौजवानों और नौजवानियों से कहना चाहता हूँ कि भैया अपने देश के टैलेंट को छोड़ के ना दूसरे देश के टैलेंट को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? तो ये फिर से बकवास की है, लाइक अगेन से वो इंडिया वाला आ गया यार, केस कि अपने इंडियन आर्टिस्ट को सपोर्ट करो। उफ़, इन्हें कौन समझाया यार कि मैं सबकी वीडियोस देखती हूँ, इन्हें कौन बताया? नहीं, मैं क्यों बताने जाऊँ कि सर, एक्सक्यूज मी सर, सुनिए ना सर, मैंने हिंदी वीडियोस भी देखती हूँ और मैंने पंजाबी गाने भी सुनती हूँ, और ना सर, सर मैं हॉलीवुड गाने भी सुनती हूँ, असल में तमिल गाने भी सुनती है, साउथ इंडियन, आप जानते हैं सर, सर रामुलो जानते हो सर, एंटी एंटी सर, नहीं सुना है कभी? और इंडियन आर्टिस्ट को सपोर्ट करो ना। हाँ, तो मैं हमेशा से कह रही हूँ मैं हर तरह का गाना सुनती हूँ, आई लिसन एवरीथिंग, तो मुझे आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं किसको सपोर्ट कर रही हूँ, किसको नहीं सपोर्ट कर रही हूँ। यू योर सेल्फ रोस्ट इंडियन आर्टिस्ट, लाइक टोनी कक्कड़ के रोस्ट देखे हैं? हाँ देखे ही होंगे, तो और उन पर व्यूज़ देखे है, ओहो, तो बस समझ जाओ अपने इंडियन आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे, इधर भाई दोनों को सपोर्ट कर रहे, तो प्रॉब्लम है। ओहो गजब, नहीं, इन जैसे स्टुपिड बंदे को रोस्ट करवा रहे हो यार, ये खुद ही अपना रोस्ट कर रहे हैं। 7 लोग हैं, आप उसमें से किसी की भी पहचान नहीं कर सकते कि ये नर हैं कि मादर। अरे इन्होंने अभी कहा कि BTS में डिफरेंस नहीं पता चलता है, लाइक लड़का है लड़की, रुको, वेट अ सेकंड, मैं दिखाती हूँ कुछ गर्ल्स को। These are girls whom I simp over. Yes, I simp over these girls. These cute, sexy, handsome girls, right? Not over you.
पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ी लिखी नहीं होती होंगी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि शहर की लड़की अनपढ़ गवार, मी अनपढ़ गवार, यार मैं कुछ भी हूँ, मैं आई एम नॉट प्रिटी, आई एम नॉट लाइक अ गुड काइंड ऑफ गर्ल, आई एम नॉट, आई डोंट डू मेकअप और डू गर्ली स्टफ्स, बट लेट मी टेल, आई एम काइंड ऑफ क्वाइट मैच्योर एंड आई नो दैट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, ओके, I don't give slangs or curse people everywhere, okay? Like you did. Let me show. यूपीआई भाषणी के लंडे ले लो। इन चक्कों को कुछ तो करना पड़ेगा। चक्के तो ठीक है। दिखते हैं ना थोड़े उस टाइप के दिखते हैं, समझ रहे ना, उस टाइप के दिखते हैं तो भैया उनको कोई कुछ कह देता है ना, जैसे छक्का कह दिया, सिक्सर कह दिया, कुछ भी कह दिया ना, तो भैया टिकटॉकरों को इतनी जलन क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि टिकटॉकरों को भी वही कहा जाता है ना, इसलिए जलन। देयर इज वन थिंग दैट्स रियली इम्पोर्टेंट, लेट मी टेल, बीइंग अ गे इज नॉट एन इंसल्ट, सो स्टॉप यूजिंग द वर्ड गे एज एन इंसल्ट, बीइंग अ गे इज नेवर एन इंसल्ट, तो आप ऐसे छक्को 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 ऐसे मत करो, इट्स जस्ट नॉर्मल पीपल, सो स्टॉप यूजिंग इट एज एन इंसल्ट वर्ड, और जो नहीं है उन्हें मत बोलो, और जो है उनका इंसल्ट मत करो, एंड डोंट मेक फन ऑफ देम, दैट्स द मोस्ट इलिटरेट थिंग यू आर डूइंग। नहीं समझ पाते लेकिन हाँ कह सकते हैं कि गाना सुनने में बहुत मजा आती। ओ भाई मारो, नहीं मार लो मेरे को, मार लो मार लो, नहीं मेरे को ये रोज़ डिगर, मैंने इनका फर्स्ट टाइम शायद वीडियो देखा, एंड इसका इनका वीडियो लाइक पहले से मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन मैंने बोला कि गाने को भी, अगर आपको गाने पसंद है तो आप इनका रोस्ट क्यों कर रहे हो? देखो मैं रोस्ट का मतलब बता रही हूँ, हु स्टार्टेड रोस्टिंग ट्रेंड, कैरी मिनाटी, कैरी मिनाटी किन को रोस्ट करते थे? स्टूपिड पीपल को। और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग अच्छे अच्छे लोगों को भी रोस्ट करते हो, आप रोस्ट के नाम पे आप क्या कर रहे हो? आप इंसल्ट कर रहे हो। इन्होंने खुद बोला कि उनके गाने अच्छे होते हैं, भाई अच्छे होते हैं तो रोस्ट क्यों कर रहे हो? नहीं मतलब आप जिसको अप्रिशिएट कर रहे हो आप उसी का रोस्ट कर दे रहे हो, ये कुछ नया चीज़ देखा, वाह वाह बेटे मौज करती, ओहो ओहो, मतलब आप अप्रिशिएट भी कर रहे हो उसी के साथ साथ आप उसका रोस्ट भी कर दे रहे हो, वाओ। रोस्ट इज फन, बट ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी रोस्ट कर दो, और ये लाइन तो मैं कभी चेंज नहीं करूंगी। बहुत बहुत तरीके भाई साहब हराम है, ज्ञान की बकचोदी पेलने लगे, तो भैया इनको झिझड़ा। अच्छा लिसन, इट्स गेटिंग टू मच, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि वो रजत पवार भैया एकदम सही बोल रहे थे, ही टोल्ड द राइट थिंग, ठीक है, बींग गे, छक्का एक्सेट्रा, इट्स नॉट एन इंसल्ट एंड दे आर जेंडर्स, जैसे आप लड़का हो हम लड़की है वैसे वो भी है, ठीक है, तो स्टूपिड वाली बातें मत करो, और ज्ञान ये कर जो भी वॉट एवर यू स्पीक, तो वो आपको ज्ञान समझा रहे हैं तो समझो। एंड ही डिडंट इवन रोस्ट, ही मेक दैट पर्सन, दैट स्मॉल चाइल्ड अंडरस्टैंड कि नहीं, दैट्स कॉल्ड एज होमोफोबिया, होमोफोबिया समझ रहे हो तुम, सॉरी आप समझ रहे हो आप, होमोफोबिया, होमोफोबिक, होमोफोबिक इज अ ह्यूज वर्ड दुनिया में, इसके लिए रियॉट्स होते हैं, स्ट्राइक्स होते हैं, लाइक गिव देम राइट, एंड आप यहाँ पे ये कर रहे हो, अगेन सेम थिंग फॉर यू, यू यू आर डैम यू, गेट लॉस्ट, यार मेरे से नहीं होगा अब, नहीं होगा, इन लोग का बकवास मेरे से नहीं सुना जाएगा, मेरे को गुस्सा आने लगता है, मन करता है मैं जाके ऐसे पकड़ूं और बोलूं कि क्या नहीं क्या कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं एनीवेज तो मेरे को प्लीज़ अब मत बोलना किसी रोस्ट करने, मैं अब किसी को रोस्ट नहीं करने वाली, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है रोस्ट करने का, दे आर स्टूपिड पीपल एंड आई लिटरली डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन देम, एज यू गाइस वांटेड आई डिड अ रोस्ट एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू, क्योंकि मेरे को देखना था कि क्या चल रहा है, वही सेम चीज़ चल रहा है, तो इट्स द बेस्ट टू इग्नोर दैम, येस ओके, तो अब मैं जा रही हूँ, हाँ क्योंकि मुझे और भी बहुत काम है इन यूजलेस पीपल को यूज़ करने के अलावा।
ओके तो गाइस बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम। एंड वीडियो जल्दी आएगी, बहुत लेट आती है वीडियो, मुझे पता है। मुझे सेटअप करने में बहुत टाइम लग जाता है, कैसे बताऊँ मैं। ये जो सेटअप करना है ना, अभी रिंग लाइट आ गया है मेरे पास, तो उसको ये सब मतलब इतना शांति वाला माहौल लाने में बहुत दिक्कत होती है। ओके एनीवेज, तो मैं और बकवास करते रहूँगी अगर मैं कैमरा ऑन करके रखी। सो गाइस बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम। एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।